गैरकानूनी मजमू अनलॉफुल असेंबली पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 141 के मुजब अनलॉफुल असेंबली यानि गैरकानूनी मजमू मान जो मेड़ कानून में गैरकानूनी मजमू या मान के मेड़ की वजाहत कड़े रीत बयान कल है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 141 के मुजब अनलॉफुल असेंबली यानि गैरकानूनी मजमू मेड़ की वजाहत दिनल है अनलॉफुल असेंबली मीन्स 5 persons आर मोर देन 5 persons डिजाइंस इन अनलॉफुल असेंबली 5 शख्स या 5 शख्स मानू मिली करे गैर कानूनी असेंबली यानि मेयर के वजूद में आनिंदा है हन 5 या 5 जेकडे शख्स मिली करे को मजमू ठाइन था तो आया वो डोह है तो इन्हीं सेक्शन में इन बारे में लिखल है बुधायल है तो उ 5 या 5 मानू जेके अनलॉफुल असेंबली यानि गैर कानूनी मजमू ठाइन था उन जी सब खां पहिरियां इन शे ते नजर रखन खपंदी त आया उहा अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी मजमू जो मकसद यानि कॉमन ऑब्जेक्ट छा आहे अगर जेकर उन जो कॉमन ऑब्जेक्ट खौफ पैदा कर टू ओवर एव बाय क्रिमिनल फोर्स ओवर द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर या को पब्लिक सर्वेंट के कानूनी इन लॉफुल ड्यूटी के अंदर जैसे को फोर्स गैरकानूनी तौर से दहशत या प्रेशर रखन जे ला कयो वजे उन कॉमन ऑब्जेक्ट जे मद्देनजर रखदे करे 5 या 5 मानन जो मजमू जो अनलॉफुल असेंबली वजूद में आनन था इो अमल कन था यानि वफाकी गवर्नमेंट के मथा पांजो खौफ पैदा करण के लिए सूबाई गवर्नमेंट के मथा पांजी दहशत ए बलबलो रजिस करण के लिए पांजो गैर कानूनी नाजायज मफादात हासिल करण के लिए कानून साज इदारे के मथा जेकडा अटैक करण के लिए या का गवर्नमेंट सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट या सर्वेंट जेकडा पाकिस्तान के अंदर मुलाजिम है या तो उन मथा अड़े किस्म जो इन्फोर्स या फोर्स विझण तो वो पांजे जायज ड्यूटी के अंदर गैरकानूनी अमल करे न तो उनके मथा कॉमन ऑब्जेक्ट माना अस मथा हमलो कर आया अस न छींदे अस दबदबो वी कर दहशत फैलाए कर क्रिमिनल फोर्स माना डोहारी हथकंडा इस्तेमाल कर नुकसान रसाइंदे अड़े किस्म जो जहन पैदा कदड़ 5 या 5 असेंबली मेंबर जेके हुंदा उहे कामन उहे अचन था अनलॉफुल असेंबली में सेक्शन 141 PPC अड़े किस्म की असेंबली की वजाहत करे तो हाँ इतने अस मुख्तसर इन अनलॉफुल असेंबली का हटी करे वरी बे रुख का अदर साइन से जो हलूँ तो लॉफुल असेंबली छा है तो लॉफुल असेंबली यानि जायज कानूनी तरह से मेयर मजमू आ हाँ उन शे की वजाहत कान्ने का किथे लेकिन एक सोसाइटी के हवाले से मेयर मलाखड़ा या अड़े किस्म जहाँ मजमू या जमायतू गजानू जन थी उन में कें किस्म जो कॉमन ऑब्जेक्ट टू ओवर एव बाय क्रिमिनल फोर्स को माना दहशत फैलाण को खौफ दबदबो ना पुरअमन आम रवाजी तरह से जड़े किस्म जो मेयर ए मजमू है मिसाल के तौर पर जनरल इलेक्शन या लोकल बॉडी इलेक्शन में जैसे का पब्लिक या वोटर जो वोट दियण अचन था वह बीहन था मजमू कर वो उन कानूनी राइट है बीहन बीह कर एंट्री कंदा वो पांजो वोट जमा कंदा वह लॉफुल असेंबली है नंबर 2 ईद नमाजू ईद के वक्त में जैसे नमाज के लिए मजमू या नमाजी उ अचन था ईदगाह के अंदर वह लॉफुल असेंबली है तो वो उनको जायज राइट हक है तो वो पांजी ईद की नमाज अदा कर सकन था वो अनलॉफुल असेंबली के जिम्मे में न तो अचे यानि अड़े किस्म जहाँ मजमू या मेयर जेके जायज
पांजो जको बुनियादी हक आए सिर्फ लाफुल अल्लाफुल असेंबली के असा लाफुल असेंबली के असा सोसाइटी के हवाले से डिफाइन कियो से लेकिन अल्लाफुल असेंबली के असा कानून के जिम्मे में अची करे 141 पीपीसी के मुजब मुख्तसर वजाहत करे चयो से अल्लाफुल असेंबली छा है।